इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं और वो मुंह में छाले हैं करके आपके पास में रेफ़र किया ऐसा बोलते हैं, और वो मेरे पास में सलाह लेने के लिए आते हैं। तो आइए उसके बारे में आपसे बातचीत करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये लोगों को होता क्या है कि इनको बार बार मुँह में छाले आते हैं, लाल हो जाता है, एक तो मुँह जबान के ऊपर छाले आते हैं या अंदर से गाल के ऊपर छाले आते हैं, और फिर उनको तीखा सहन नहीं होता, तीखा नहीं खा सकते, फिर उनको बहुत फीका खाना पड़ता है, एकदम जिसमें मिर्ची नहीं है ऐसा खाना पड़ता है, क्योंकि मुंह में इतने छाले, बहुत तीखा लगता है इनको, बहुत परेशान रहते हैं ये लोग। अच्छा, ये लोगों को, ये लोग कहीं डॉक्टर के पास नहीं आते, डॉक्टर बोलते बी कॉम्प्लेक्स डिफिशेंसी है, बी कॉम्प्लेक्स ले लो, पर बी कॉम्प्लेक्स लेके भी इनका कुछ होता नहीं है। ये व्यक्ति सब तरह की जांच करा लेते। एक तो व्यक्ति मुझे ऐसा मिला कि जिसने करीब करीब 50,000 रुपये की जांच पिछले 15 दिन में किया, 50,000 रुपये बॉम्बे जाके अलग 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 जांच करवा के लिया उसने, और तभी भी कोई उसका कारण मिला नहीं कि मुंह में छाले क्यों आ रहे बार बार, और पिछले 2 साल से छाले आ रहे। डॉक्टर लोगों ने सिर्फ इतना ही बोला कि आप ऐसा करो, अभी आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो। मैंने मेरे पहले वीडियो में ये बोला हुआ है कि पाचन संस्था का मानसिक कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ये पाचन संस्था का पहला है, एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से शुरुआत होती है तो नीचे गुदद्वार तक पूरी पाचन संस्था ही है। तो लोगों को जब जब टेंशन आता है तब तक मुंह में छाले आते हैं। अब टेंशन ये भी हो सकता है कि नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, चिंता है, डिप्रेशन है, नींद नहीं हुई, कुछ लोगों को नींद नहीं हुई कि छाले आ जाते हैं, क्योंकि नींद क्यों नहीं हुई, तो कुछ तो भी है प्रॉब्लम मानसिक, इसलिए नींद नहीं हुई। फिर उनको एसिडिटी हो गई तो फिर छाले आ जाते, एसिडिटी हो गई फिर वही टेंशन है। अच्छा, फिर इधर टैक्सेस का प्रॉब्लम है, स्टाफ का प्रॉब्लम है, धंधे में कम ज़्यादा हो रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन है, वाइफ के और उनके झगड़े हो रहे हैं, ऐसे अनेक काफ़ी परेशानी जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रहे हैं, उससे उनको जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो डील नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम को डील ना करने से फिर क्या करता है कि ब्रेन कोई तो भी ऑर्गन पकड़ लेता है। अब वो ऑर्गन होगा से लंग्स, फुफ्फुस जो है वो, फेफड़े, जिससे उनको दमा आ जाएगा, वो पकड़ लेगा पूरी पाचन संस्था, जिसमें एसिडिटी और इरिटेबल बाउल हो जाएगा, कुछ लोगों का पकड़ लेगा उनका मुंह कि जिसमें उनको बार बार छाले आ जाएंगे। तो इसका इलाज वही है कि जो भी स्ट्रेस लाइफ में है उसको पावरफुली कैसे डील करेंगे, और वो डील करने के अलग तरीके हैं जो मेरे अनेक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोज़ में हैं कि भाई स्ट्रेस को कैसे आप डील करेंगे। स्ट्रेस को आप डील कर सकेंगे तो ये छाले जो बार बार मुंह में आते तो वो पूरा उसका मतलब सोर्स में उसका नील हो जाएगा, उसका उच्चाटन हो जाएगा और उसका प्रॉब्लम रहेगा नहीं। जो भी कारण है उसको मतलब पावरफुली उसको सामने जाना, उसका फेस करना, उसको फेस करना, और ज़िंदगी में बहुत तान तनाव के लिए जीने का नहीं है। फिर उनको ये भी बोलता हूँ मैं कि आपके जीवन में अप्रामाणिकता क्या है, देखो कहाँ कहाँ आप झूठापन कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप अप्रामाणिकता से जीवन जी रहे हो, कहाँ कहाँ क्या क्या आप छुपा रहे हो वो देखो, और जहाँ जहाँ आप प्रामाणिकता से काम नहीं कर रहे हो देखो वहाँ सब तरह आपको टेंशन है। कहाँ आप छुपाते हो, लोगों से आप क्या छुपाते हो, धंधे में आप क्या छुपाते हो, कौन सा नंबर 2 का काम करते हो, ये देखो, और ये देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि भाई टेंशन कहाँ है, तनाव कहाँ है, और छाले ठीक हो जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, लोगों को ये शेयर करेंगे ना तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हमको लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, खुद यहाँ आते हैं, उनका इलाज कर लेते हैं, और अपने जीवन में वो अपना जीवन आनंद से जीते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।